हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब आप अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम सेंचुरी एक्सट्रेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो इसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और गाइस, बात की जाए, ये जो कंपनी है स्मॉल कैप की कंपनीज है, जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आपको रिटर्न पाने में। आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स तक इसको होल्ड करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अपनी प्रॉफिट आप अच्छा खासा बुक कर लेंगे। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसका आप देख सकते हो ऑल टाइम रिटर्न, देखो कितना बेस्ट रहा है, 215% तक इसका रिटर्न रहा है, जो काफ़ी बेस्ट रहा है। एंड इसका जो प्राइस है 11.70 रुपये, जो काफ़ी बेस्ट इसका प्राइस है। स्मॉल कैप की कंपनीज है, बट गाइस इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। एंड इसके आप क्वार्टर फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, सारे ग्रीन सिग्नल में है। ये देखो गाइस कितने बेस्ट लग रहे हैं, एक भी गाइस इसमें रेड सिग्नल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे लेके चलते हैं, वहीं पे आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। गाइस आ चुके हैं इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे, और गाइस इसका आप अबाउट सेक्शन आप पढ़ सकते हो। सेंचुरी एक्सट्रेशन लिमिटेड इंगेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम एक्सट्रेशन ऑफ वेरियड एप्लीकेशन लाइक आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, रेलवे, ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा सेक्टर सॉल्व करती है, इसीलिए गाइस इस कंपनीज में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, इसका फ्यूचर प्लान काफ़ी बेस्ट है। एंड गाइस बात की जाए इस कंपनी का, जो आप देख सकते हो मार्केट कैप कितना है, ये देखो गाइस 92 करोड़ है, जो काफ़ी बेस्ट है स्मॉल कैप से देखा जाए तो। एंड ये आपको दोनों एक्सचेंज पे आपको ये अवेलेबल है, ये स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक साल में जो हाई प्राइस गया था देख सकते हो 15.08 रुपये, एंड इसका लो प्राइस गया था 3.80 रुपये, और इसका स्टॉक पर अर्निंग आप देख सकते हो 15.05 रुपये। एंड इसका बुक वैल्यू आप देखो गाइस कितना है, ये देखो गाइस 6.98 रुपये। आप इसका फेस वैल्यू आप देख सकते हो गाइस कितना है, इसका फेस वैल्यू जब ये मार्केट में ओपन हुआ था 1 रुपया इसका फेस वैल्यू है, तो काफ़ी कम रहा था, और इस टाइम इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसका आप मैक्सिमम प्राइस देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था, गाइस इसका जो हाई प्राइस गया था 15 रुपये इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा सेल आउट किया है। अब आप इसका पी रेशियो भी आप गाइस देख सकते हो कितना इसका पी रेशियो है, इसका गाइस पी रेशियो जो है मीडियम में 12.7 में है इसका पी रेशियो। अब आप इसके इंडिकेटर्स भी देख सकते हो इस स्टॉक के, बट आपको बता दें गाइस कंपनियां जो होती हैं अपनी प्रोफाइल को इंडिकेटर्स में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लिख देती है, इसीलिए आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको चेक करना होगा, तभी आप इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गाइस इसका आप देख सकते हो सेक्टर इंडस्ट्रीज़, आप देखो इंडस्ट्रीज़ जो है एल्युमिनियम का है, एंड सेक्टर जो है नॉन फॉरेस्ट मेटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, इसका सेक्टर है जो काफ़ी बेस्ट है। लग सकते हो किस किस कंपनीज के साथ कंपटीशन चलता है, ये नेशनल एल्युमिनियम हो गया, MMP इंडस्ट्रीज़ हो गया, काफ़ी फेमस कंपनीज़ है, इनके साथ इसका गाइस कॉम्पिटिशन चलता है। अब गाइस इसका क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो 2021 का, कितना इन्होंने सेल किया है, कितना इन्होंने खर्चे कर रखे हैं इस साल में, ये इसका आप टोटल सेल देख सकते हो इस साल का कितना है 84 करोड़, एंड इसका एक्सपेंसिव जो खर्चे हुए हैं 80 करोड़ हुए हैं। इसका बैलेंस शीट देख सकते हो कितना इन्होंने कर्जा लेके रखा है और कितना इन्होंने इनके पास एसेट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। गाइस इसका टोटल लायबिलिटीज़ आप देख सकते हो कितना इसका टोटल लायबिलिटीज़ है, कर्जा है 128 करोड़। अब आप इसका एसेट भी देखो गाइस, क्योंकि कंपनीज के पास एसेट है या नहीं है, टोटल एसेट भी गाइस इसके पास पड़ा हुआ है 128 करोड़। कंपनी जो है लायबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन में चल रही है, जो काफ़ी बेस्ट लग रहा है देखने में। अब आप इसका मेन टॉपिक गाइस देखो कंपनीज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, अगर गाइस कंपनीज़ के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है, आपको क्या प्रॉफिट देगी। बहुत सी कंपनीज आप देखे भी होंगी गाइस, उसमें जो कैश फ्लो होता है काफ़ी माइनस में होता, इसीलिए गाइस वो जो कंपनी होती है काफ़ी टाइम तक ग्रोथ नहीं कर पाती है। अब आप इसका कैश फ्लो आप देख सकते हो कितना इसका कैश फ्लो है, 9 करोड़ गाइस इसका कैश फ्लो है, जो काफ़ी बेस्ट है। अगर गाइस इसका जो
फंडामेंटल थोड़ा सा डाउन हुआ, ये अपने को मैनेज कर लेगी, इसके पास प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब आप बात करो कितना पब्लिक ने इसका शेयर होल्ड किया है और कितना इसका प्रमोटर ने किया है। गैस इसका जो प्रमोटर ने किया है आप देख सकते हो कितना बेस्ट इसका शेयर होल्ड किया है, 52% तक इसका शेयर प्रमोटर ने किया है, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रमोटर शेयर होल्ड कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। अब आप इसका पब्लिक का देख सकते हो कितना पब्लिक ने किया है, 47% तक पब्लिक ने इसका शेयर होल्ड किया है। गैस बात की जाए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल रिसर्च करनी होगी एंड अपने ब्रोकर के साथ कंपैरिजन करना होगा, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। एंड गाइस बात की जाए अगर इस कंपनी में आप टारगेट रखना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 1000 तक आप टारगेट इस पर रख सकते हैं। एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।